रास्ते जा भी दूं, मैं गवाही मां भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूं छोड़ दूं। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। आज है 30th of June, आज मेरा बर्थडे, तो आज मम्मी बाबा जी और मैं सुबह सुबह निकलेंगे थोड़ा सा आउटिंग में। तो अब यहाँ है मेरे पास दो ड्रेसेस और मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ तो कि पहनूँ क्या, तो बस देखिए अब क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। चलो जी, फाइनली आई डिसाइडेड टू वेयर दिस। और ये हम लोग निकल गए हैं क्योंकि हम लोग रहते हैं देहरादून में, तो हमें किसी भी अच्छी लोकेशन के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सब जगह देहरादून के बहुत नज़दीक है। और फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं मसूरी, पर बहुत बारिश हो रही है तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जब हम देहरादून से निकले थे तो यहाँ मौसम ज़रूर ख़राब था पर बारिश नहीं हो रही थी, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे बारिश बढ़ती चली गई, तो हमने फिर मसूरी जाना कैंसिल कर दिया और हम चले गए किमाड़ी रोड पे। और देखिए यहाँ पे बारिश बहुत है लेकिन फिर भी इस रोड पे घूमने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। यहाँ जहाँ भी हमको बारिश थोड़ी कम मिल रही थी, हम उतर के मौसम के पूरे मज़े ले रहे थे। देखो उधर देख, क्या फर्स्ट क्लास क्लाउड है पहाड़ों में। यहाँ देख नीचे नीचे खाला देख जरा, अरे गिर गया तो पता नहीं चलेगा इंसान गया था। अरे बाप रे, बहुत तेज हो गई बारिश। चलो फटाफट अंदर, कैमरा गया, कैमरा गया, फोन गया, सब उतरते लगता है बहुत बारिश है और अंदर लगता है कि बारिश ही नहीं है। अब बारिश में ज़्यादा घूमने की वजह से मम्मी थोड़ा गुस्सा हो गई है, तो अब हम चल दिए हैं देहरादून की तरफ वापस। भुट्टे और मोमो का आनंद लेते हुए हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। हम आ गए हैं अब घर और इस तरह से कुछ है हमारी बेड की स्थिति, क्योंकि जब हम जाते हैं तो काइली माइली को इस रूम में छोड़ के जाते हैं। और बस तो अभी चेयर में नीचे कर रही हूँ और अब हम पियेंगे चाय और उसके बाद कुछ करेंगे शाम की तैयारियाँ। तो
भाई सोनू बहन क्या कर रही है आज? मैं क्या बना रही है? दिन भर घूम के आई हूँ और हाँ। अब खाना बना रही हूँ। दिन भर तो तूने थकाई दिया आज हमें। क्या बन रहा है? बस बाबा जी चिकन वालों के लिए चिकन बनाया, हाँ। पनीर वालों के लिए पनीर, अच्छा। और एक तरफ राइस बना रही हूँ बस। बस क्या सामान होगा, ढेर लगा रखा तुमने। अरे कुछ मत, अभी तो और मीठा खाने वालों के लिए कुछ नहीं। आइसक्रीम अच्छा। कौन झंझट पाले वो मतलब केक काटने से पहले मैं पूरी तैयारी कर लूं। चलो ठीक है, बना फिर, बना फिर फटाफट। है ओके। ये आ गया है मेरा बड़ा बेटा, ये दिल्ली में था और बस मेरे बर्थडे के लिए आया है। ये मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि ये लोग ब्लॉग में आना पसंद नहीं करते हैं, पर आज मेरा बर्थडे है तो सब आएंगे। अभी आपको मेरा छोटा बेटा भी दिखेगा। आयुष्मान भाई, बाकी लोग हम ही दोस्तों। ये दो बहुत ही प्यारे से केक हैं जो मेरे बच्चे मेरे लिए लेके आए हैं। इसमें पीछे रह तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू दिए हजारों साल, ये मेरी है हरदी। Happy birthday to you, happy birthday to you, Sonu, happy birthday. ये है मेरा छोटा बेटा। हैप्पी बर्थडे सोनू, खुश रहो, लंबी उम्र हो, तुम जियो जा रहे हो। अरे खा लो ना, माता जी खिलाओ भाई। ना ना मम्मी क्यों कर रही है ना, वो एग्लास केक है भाई। अब मैं तो पहले खा लिया एग्लास, क्योंकि एग के कॉलर हूं। एग्लास से दोनों में क्या, तुझे भी खिला रही मैं। दोस्तों आप सुनिए बाबा जी की आवाज़ से एक सुंदर सा गाना। हमारे घर की कोई भी महफिल जो है वो बाबा जी के गाने के बिना इनकम्प्लीट है। कभी किसी को कम
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।